हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए पनीर चिल्ली स्टीम बाओ बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। एक बार अगर कभी नहीं बनाया हो ना तो ट्राई ज़रूर से कीजिए, बहुत ही पसंद आएगा सबको। और इसी के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना ऐसी नई नई रेसिपीज़ के लिए। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं टेस्टी से बाओ बंस। यहाँ पर मैंने एक कप दूध लिया है, दूध है वो हल्का गुनगुना है। उसके अंदर हम 2 टीस्पून शक्कर डालेंगे और 1.5 टीस्पून यीस्ट डालेंगे। तो ये इंस्टेंट ड्राई यीस्ट है, इसको मिला लीजिए और ढक के 12 से 15 मिनट रख दीजिए फर्मेंट होने के लिए। यीस्ट जब अच्छे से फर्मेंट हो जाए ना, तभी यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है, 2 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून ओरिगानो लिया है, 1 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इन सबको अच्छे से मिला लीजिए और हमारा जो यीस्ट का मिश्रण है वो थोड़ा थोड़ा करके इसमें डाल दीजिए। तो हमें एकदम सॉफ्ट डो लगाना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके यीस्ट का पूरा मिश्रण डाल दीजिए। और अभी आपको ज़रूरत लगे तो और गुनगुना पानी या दूध कुछ भी दोनों में से डाल सकते हैं। अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा के इसको हमें अच्छे से नीड करना है, तो 10 मिनट तक हमें इसको नीड करना ज़रूरी है। तो बीच बीच में तेल लगाते जाइए और एकदम हाथ में चिपके नहीं ना, इस तरह से जब भी डो बन जाए ना तब तक आपको इसी तरह से नीड करना है इसको। तो आप देख सकते हैं अभी 5 मिनट हुए हैं, डो मेरा कम चिपकने लगा है। तो 10 मिनट के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा डो। तो डो हमारा तैयार है, इसको नीचे से फोल्ड कर देते हैं और एक बर्तन में रख देते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा तेल से ग्रीस कर देते हैं। इसको ढक के हमें 1 से 1.5 घंटे तक रखना है, किसी गर्म जगह पे रख दीजिए ताकि अच्छे से फर्मेंट हो जाए। तो यहाँ पे 1.5 घंटे के बाद इसके ऊपर इस तरह से पंच मार दीजिए और इसको 1 मिनट के लिए हल्के हाथ से नीड कर लीजिए। अभी इसमें से एक बड़ी लुइया तोड़ लेते हैं। और इसका पेड़ा बना के हमें इसको बेलना है। थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क देंगे और बेलन से इसको बेल लेंगे। इसको हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा 1/2 इंच की थिकनेस रहे ना, इतना मोटा बेलना है। तो इस तरह से ये थिकनेस पे हमें बेलना है। अभी कोई भी बर्तन ले लेंगे राउंड शेप का, या फिर आप कटोरी या ग्लास भी ले सकते हैं। इसी तरह से हमें छोटी छोटी पूड़ियाँ इसकी निकाल देनी है और जो बचा हुआ डो है उसका भी हमें वापस से इस तरह से लुआ बना के बेल लेना है। हमने जो पूड़ियाँ बनाई ना उसके ऊपर अच्छे से तेल लगा दीजिए पहले। अभी स्ट्रो है या फिर कोई भी स्टिक है आपके पास वुडन की, तो वो बीच में रख के इस तरह से फोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा दबा दीजिए हल्का सा, और आगे का पार्ट जो है बेलन से थोड़ा सा बेल के लंबा कर दीजिए। ये स्टेप करना बहुत ही ईजी है। अब स्ट्रो निकाल दीजिए हल्के से, तो आपका बन जो है वो रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे बन हम पहले रेडी कर लेंगे। तो इतने आटे से 30 बन हमारे बन के तैयार हो गए हैं। अभी इसको आगे से बेलना है और स्ट्रो को निकाल देना है और इसको बटर पेपर के ऊपर रख दीजिए। तो वापस जितना भी आटा बचा है ना उसे हम इसी तरह से मोल्ड में लेके फिर पूरियां बना लेंगे। और इसको हमें ढक के 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। 1/2 घंटे के बाद ये एकदम फूल गया है। इसको हम स्टीमर के जो जाली होती है ना उसके ऊपर बटर पेपर के साथ ही रख देंगे
तो एक बैच में तीन हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने स्टीमर में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो उसके अंदर हम ये स्टैंड लगा देंगे और इसके ऊपर का ढक्कन जो है उसको कपड़े से इस तरह से फोल्ड कर देंगे ताकि स्टीम जो बने ना वो नीचे तक नहीं जाए। तो रबर बैंड लगा के इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे। अभी 10 से 12 मिनट के लिए इसको स्टीम होने देंगे। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पनीर ले लिया है, तो यहाँ पे मेरा 250 से 300 ग्राम जितना पनीर है इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। इसके अंदर 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर और 1 टीस्पून मैदा छिड़क देंगे और इसको अच्छे से इसमें लपेट लेंगे। तो इसको टॉस कर लीजिए या फिर चम्मच से आप इसको मिक्स कर दीजिए हल्के हाथों से, ये पनीर में ये जो आटा है वो अच्छे से चिपक जाए उसी तरह से। अभी एक तवा लेंगे, उसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और ये जो पनीर के क्यूब है ना वो उसके ऊपर फ्राई करने हैं हमें। तो गैस की आंच को एकदम फास्ट रखना है और बीच बीच में चलाते जाना है। तो इसी तरह से गोल्डन ब्राउन हो जाए पनीर तब तक हमें इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसको निकाल लीजिए। तो दूसरा बैच भी मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। यहाँ पे 12 मिनट हो गए हैं, हमारे बन जो है वो बन के रेडी हो गए हैं। नाइफ से चेक किया तो एकदम क्लीन आई नाइफ। इसको बाहर निकाल देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और दूसरा बैच हम लगा देंगे वापस से। तो उसको भी 12 मिनट के लिए स्टीम होने के लिए रख देंगे। यह 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, 1 टीस्पून ओरेगानो डालेंगे, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको आधे मिनट के लिए चला लेंगे। उसके बाद जूलियन में कटा हुआ एक ऑनियन लिया है वो डाल देंगे, जूनियन कटा हुआ गाजर डाल देंगे, कैबेज ली है और कैप्सिकम लिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और इन वेजेस को पहले 2 से 3 मिनट चला लेंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून शेजवान सॉस, 1 टीस्पून चिली सॉस, 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून केचप और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून पाव भाजी मसाला डाला है। अभी इन वेजेस को अच्छे से मिला लेंगे और जो हमने पनीर के क्यूब फ्राई किए हैं वो डाल देंगे। अभी सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो हमारा जो फिलिंग है वो बन के तैयार है। यहाँ पे टेंगी मेयोनीज बना लेते हैं। तो 2 टेबलस्पून मेयोनीज लिया है प्लेन वाला और 1 टेबलस्पून केचप लिया है, दोनों को मिला लिया है। बाओ बन हमारे एकदम अच्छे से फूल के रेडी हो गए हैं। इसके अंदर हम पनीर चिली का मिक्सचर भर देंगे। इसके ऊपर आपको जो मनपसंद वेजीज है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऑनियन और कैरेट लिया है और थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल देंगे। यहाँ पे मेयोनीज मैंने बॉटल में भर लिया है और मैं इस तरह से लगा देती हूँ। तो हमारे पनीर चिली बाओ बंस बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी लगते हैं और एकदम हेल्दी है। ऊपर फुदीना से गार्निश कर दिया है। आप ज़रूर से बनाइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से मुझे बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय गाइज़।